सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विलक्षण प्रेम कहानी की चर्चा करेंगे और ये प्रेम कहानी हमारी आज़ादी की लड़ाई, उसके एक नायक, जामिया मिलिया के संस्थापक और हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन से जुड़ी है। और ये कुछ ऐसी प्रेम कहानी है जिसकी थाह लगाना सचमुच पूरे जीवन जो दोस्त थे इन दोनों के, उनको भी ठीक से इसका थाह नहीं लगा और कोई भी इस प्रेम कहानी के को सामान्य ढंग से नहीं समझ पाया कि जिस तरह से हम प्रेम समझते हैं वो क्या था। जाकिर साहब जब अलीगढ़ में पढ़ते थे उसी समय जामिया की स्थापना हो गई थी और उन्होंने अध्यापन वहाँ शुरू कर दिया था, लेकिन अपने एक दोस्त के जिद से वो जर्मनी गए पढ़ने, पीएचडी करने, और 3 साल वो रहे। और उनके करीबी दोस्तों का मानना है कि उनके जीवन में इससे ज़्यादा सुख का दौर कभी नहीं था, क्योंकि जब वो शुरू में काफ़ी अभाव में रहे थे और उस दौर में बहुत सादगी का जीवन उन्होंने जिया था। जब वो राष्ट्रपति और राज्यपाल हुए, बिहार के राज्यपाल हुए थे, मुल्क के तीसरे राष्ट्रपति हुए, उस दौर तक कई किस्म की बीमारियों ने उनको घेर लिया था, तो खाना पीना पहनना ओढ़ना इन सब चीज़ों का काफ़ी पाबंदी उन पर रही। तो उस हिसाब से जर्मनी उनके जीवन का सबसे सुख का दिन था। उस समय की उनकी पढ़ाई लिखाई, राजनीतिक चर्चाएं, ये सब चीज़ें वो काफ़ी खुशी से याद करते हैं। उस समय जर्मनी में मिसेज नाम्बियार थी, जो सरोजिनी नायडू की बहन थी, वो उनके भाई चट्टोपाध्याय, चट्टो लोग बोलते थे, यही लोग ऐसे सेंटर थे जहाँ सारे हिंदुस्तानी विद्यार्थी जुटते थे और वहाँ तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएँ होती थी, खाना पीना मौज मस्ती, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक चर्चाएँ होती थी। और मिसेज नाम्बियार और चट्टो दोनों लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। यहीं काफ़ी लोगों के किस्से हम सुनते हैं कि यहाँ कौन कौन थे। दिनेश सिंह यहाँ के रेगुलर अड्डे वाले थे, एमएन राय के लिए माना जाता है कि ये वहाँ आते जाते थे, ये रजनीपाम दत्त का वहाँ आना जाना था, तो ये सब चीज़ें उस समय वहाँ होती थी। किसी बात पे मिसेज नाम्बियार नाराज़ हुई और उन्होंने वो गोष्ठी ख़त्म करा दी, वो भोज ख़त्म करा दिया। तो जाकिर साहब को इससे थोड़ा सदमा लगा और उन्होंने कहा कि हम भी दिखा देंगे कि हम भी कोई गोष्ठी कर सकते हैं, सिर्फ वही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक मित्र अचानक सबके सामने लेके आए जिनका नाम था जेडा फिलिप बॉर्न। वो यहूदी थी और वहाँ एक अच्छे परिवार से उनका रिश्ता था, 30 से पार की मानी जाती हैं कि तब वो 30 की उम्र के पार थी। उन्होंने फिर इस तरह के आयोजन करने शुरू किए और फिर जो भी हिंदुस्तानी लड़के उस समय मिसेज नाम्बियार के यहाँ जुटते थे वो जेडा के यहाँ जुटने लगे और वो सब लोग, और फिर अचानक सबको दिखाई देने लगा कि जेडा और जाकिर साहब में काफ़ी स्नेह है और दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी मदद करते हैं। बल्कि जेडा ने इनका टाइप थीसिस टाइप किया, इनकी हर तरह से मदद करती रहीं और अनुवाद किया उसका जर्मनी में, ये सब चीज़ें जेडा से उनके रिश्ते में शामिल रहीं। जाकिर साहब जब लौट के आए यहाँ तो कुछ दिनों बाद जेडा भी यहाँ पहुँच गई, 32 में ही वो यहाँ आ गई और उसके बाद से वो यहीं रहने लगी। उनके आने से कई तरह की हलचल हुई, लेकिन जाकिर साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी पत्नी को बुला के बताया कि ये कौन महिला हैं, इनसे क्या रिश्ते हैं और किस किस्म से ये हमारी मदद करती हैं और हम एक दूसरे की मदद करते हैं और हमसे कैसा स्नेह है। ये उन्होंने पत्नी को सबसे पहले सफाई दी और उसके बाद से पत्नी भी इस जोड़ी के साथ तिकड़ी बनाने वाली हो गई, क्योंकि ये रिश्ता उनको भी लगा कि ये पाक साफ है और एक बड़े उद्देश्य के लिए है। संयोग से उन्हीं दिनों जर्मनी में हिटलर का उभार हो रहा था और यहूदियों के लिए जर्मनी अनसेफ होता जा रहा था। यहूदियों के साथ क्या क्या हुआ वो अलग कहानी है, तो इसलिए जेडा को वापस भेजने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहाँ ये था कि जेडा को नहीं जाने देना है, उनको यहीं रहना है।
रेडा यहीं रुक गईं और रुकी ऐसी कि फिर सारा जीवन बाकी जीवन वो यहीं रहीं। यहाँ वो रहते हुए 11 साल वो करीब जामिया में रहीं, और जामिया में रहीं का मतलब ये है कि वो हर तरह से जाकिर साहब का काम कैसे आसान होगा इसकी कोशिश करती रहीं। जामिया के प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अध्यापन शुरू किया और उन बच्चों से उनका बहुत स्नेह था जो जामिया के बच्चों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ रहने के दौरान वो कुरान भी पढ़ने लगी, वो इस्लाम के काफ़ी तौर तरीके उन्होंने अपना लिए, लेकिन यहीं उनको कैंसर का पता चला कि उनको कैंसर है और ये लगा कि अब ये बचने वाली नहीं है। तो उन्होंने जाकिर साहब से कहा कि आप बहुत व्यस्त हैं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करूंगी कि आप मेरे पास ज़्यादा बैठिए, लेकिन आप जब मेरे पास आइए बैठिए जब फुर्सत हो तो, और जब बैठिए तो कुरान का पाठ करिए क्योंकि मुझे कुरान सुनने का मन होता है। तो जाकिर साहब ने उनकी ये इच्छा पूरी की। जाते जाते जेडा ने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की कि मुझे जामिया में ही दफनाया जाए और मेरे बगल में ही आपकी कब्र बने, जब कभी आप मरें तो कब्र में कम से कम मैं आपके पास रहूं, ये मेरी ख्वाहिश है। जेडा की ये ख्वाहिश पूरी की गई और आज भी जामिया में इन दोनों की मज़ारें एक दूसरे के पास हैं। जाकिर साहब को याद सब करते हैं और उसी के साथ जेडा को भी सब याद करते हैं क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी उस दौरान 11 सालों में और जाकिर साहब के पर्सनल इसमें किसी से कम नहीं है। जर्मनी से उनके दोस्त थे मुजीब मतलब जो बड़े इतिहासकार माने जाते हैं मोहम्मद हबीब, उनके छोटे भाई और आज के ये जो बड़े इतिहासकार हमारे हैं इरफान हबीब, उनके चाचा मुजीब साहब भी जाकिर साहब के साथ पूरे समय रहे। मुजीब साहब की कहानी भी किसी दिन मैं आपको सुना सकता हूँ किस तरह से उनका भी योगदान है और कैसे उस महान आदमी ने जामिया को खड़ा करने में जाकिर साहब के साथ कितनी मेहनत की और बाद में वो VC बने और उन्होंने जामिया में पब्लिकेशन का और बाकी चीज़ों का कैसा काम जमाया। मुजीब साहब का मानना है कि इतने बरस हम लोग साथ रहे पढ़ाई के समय से ही और इस संबंध को मैं तब से देख रहा था, आखिरी दिन तक मैंने इस संबंध को देखा, लेकिन मैं इस संबंध की था नहीं लगा सकता कि इसमें कितनी गहराई थी, इसमें कितनी ऊंचाई थी और ये कितना पाक था, इस रिश्ते को मैं भी नहीं समझ पाया इतना समय लगाने के बाद भी। तो ये एक ऐसे प्रेम की कहानी है, हमारे एक ऐसे नायक के साथ जुड़े प्रेम की कहानी है जो लगभग असंभव किस्म के संबंधों के साथ जिन्होंने जीवन जिया और जीवन में उन मूल्यों की रक्षा की पूरे जीवन लगा के। जेडा जहाँ की भी थी जैसी भी थी लेकिन हमारे शिक्षा व्यवस्था में हमारे एक नायक के साथ उनका जो रिश्ता है उसकी ये कहानी अद्भुत है। आज की कहानी इतनी ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी।